भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सर्प है। और लोगों का ये भी कहना है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जब भी कोई प्राणी आप लोगों को दिखे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो साथियों, सूचनाएं आते हैं और आना जाना लगा रहता है इस जिंदगी की भाग दौड़ में, तो सांपों को निकलने का सिलसिला जारी है। साथियों, मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, तो आज का रेस्क्यू कॉल आया है हमें CSC अस्पताल से। तो ये भैया है, इन्होंने 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 हमें फोन पर सूचना दी, तो यहाँ पर कोई सर्प देखा गया है, तो उस सर्प को लेकर ये लोग काफी ज्यादा भयभीत है, तो इन्होंने फोन पर सूचना दी। वैसे ही तत्काल हम बिना वक्त गवाए मौके पर आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो मनेरे भी निकाल के दिखाते हैं कौन सा सर्प है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, ये जो भैया है और ये है, इनके सूझबूझ से उस सर्प की जान बची, तो आप लोग वीडियो बने रहिए भी निकाल के दिखाते हैं सर्प कौन सा है, फिर बताते हैं उसके बारे में, सांपों से जुड़ी विशेष बात है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप अपने आसपास घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, तो अक्सर चूहों को खाने के लिए, अब पेट के लिए ये जो जीव है ये अक्सर हमारे आपके घरों में आशियाना बनाकर रहते हैं, तो खतरे की स्थिति बनी रहती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो बिल है, ये जो सर्प है वो इसी बिल में बैठा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रेट स्नेक है, भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सर्प है। कौन सा घोड़ा पछाड़ा भी जरा? हाँ भैया, ये घोड़ा पछाड़ है, इंग्लिश में रेट स्नेक, लोकल भाषा में बंजतिया, घोड़ा पछाड़, धामन दड़ास, चार पांच नाम है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा, काफी बिग साइज का है, और भागने में काफी ज्यादा उत्तेजित है। जैसा कि इस वीडियो को देखकर आप लोग बिल्कुल कॉपी न करें, ये बिल्कुल नॉन वेनिमस है, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता है। जब भी ये सर्प काट ले, आप उस जख्म को डिटोल या साबुन से साफ सफाई कर लें और एक TT का इंजेक्शन लगवा लें, क्योंकि भविष्य में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। और जब भी कोई सर्प काट ले, जहरीला हो या बिना जहर वाला, तो डॉक्टरी परामर्श जरूरी है, क्योंकि मरीज का ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा है, ऐसे में भी उस मरीज की जान जा सकती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चूहों को खाने के लिए, अक्सर पेट के लिए हमारे आपके घरों में प्रवेश कर जाते हैं, तो खतरा तो हमेशा बना रहता है। इस सर्प से जुड़े काफी बहुत बड़ा अंधविश्वास है अपने भारत में, क्योंकि ये सर्प, लोगों का कहना है कि ये पूंछ मार देता है तो गला लग जाता है, ऐसा कहीं कहीं कुछ नहीं है, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। और लोगों का ये भी कहना है कि ये जानवरों का के पैर बांधकर दूध पी लेता है, ये बिल्कुल दूध नहीं पीता, ये सर्प दूध पी लेगा तो मर जाएगा, क्योंकि सांपों के अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कि एक बार कैमरे में कैद करना, ये सभी लोग इस सर्प को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित है। नीरज भैया दर्शन कर।
ऐसा कहीं कुछ नहीं। परिवेश में तो आप लोग इस वीडियो को देखकर काफी बिल्कुल न करें, क्योंकि ये कार्य प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया जाता है। सांपों से जुड़ी विशेष जानकारी हो सबसे जहरीला मनुष्य है। ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं, लोग इनको जानकारी की कमी के कारण मार देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें। जब भी कोई प्राणी आप लोगों को दिखे तो आप लोग दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर सूचित करें, तो हम जीवों को बचाने के लिए हर समय हर संभव प्रयास करते हैं। इनको मारा न जाए, इनसे अपने पर्यावरण का इको वायलेंस सिस्टम बना हुआ है। ये जो जीव जंतु हैं तभी हम लोग जीवित हैं। तो इन सभी जो डॉक्टर सर हैं इनको एक बार कैमरा लगा के दिखाना, ये नीरज सर हैं इस अस्पताल के। तो इन सभी जो डॉक्टर साहब हैं और जो भाई साहब हैं, इनको सभी लोगों को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, चाहता हूं इस प्राणी की जान बचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बेजुबानों को बचाते हुए, लोगों की मदद करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भैया जहरीला नहीं है क्या?